यशुआ की किताब और उसके सातवें बाब की सातवीं आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से यशुआ की किताब और उसका सातवां बाब और उसकी सातवीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और यशुआ ने कहा, हाय ऐ मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश करने की खातिर इस कौम को यर्दन के इस पार क्यों लाया? काश कि हम किनात करते और यर्दन के उस पार ही बुदोबाश करते। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। मेरे चीजों, नस्ले इंसानी में ये कमी है कि वो जल्द बेहौसला हो जाते हैं, और बेहौसलगी के बहुत से असबाब होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये बात जो इंसान में पाई जाती है ये खुदा की तरफ से नहीं। बेहौसलगी की हमें हमेशा इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और जब ये बात हमारी जिंदगी में आती है तो हम याद रखें कि हम के आदत के काबिल नहीं रहते। जैसे जदौन, वो बेहौसला होकर अपने घर में छुप कर बैठा था, कोलू जहां पर तेल निकाला जाता है वो वहां पर गेहूं झाड़ रहा था, बेहौसला हो गया। और जब हम बेहौसला हो जाते हैं हम क़यादत के काबिल नहीं रहते, और जब हम बेहौसला होते हैं तो ऐसी सूरत में हम अपने आप को मुफीद साबित नहीं कर पाते। और चौथी बात ये कि जब हम बेहौसला होते हैं तो इस वक्त में खुदा के वादों की कदरों कीमत हमारी जिंदगी में नहीं रहती। और यशुआ जो कौम का लीडर है मूसा नबी के बाद, वो बेहौसला हुआ और वो ये कहता है कि ऐ मालिक, ऐ खुदावन, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश क्यों करना चाहता है? काश हम यर्दन के उस पार ही जहां पर हम रहते थे हम वहीं पर रहते। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा से गिला या शिकवा करें, इससे पहले कि हमारी जिंदगी में हौसला खत्म हो जाए, हम परेशानियों को, हम बीमारियों को, हम तकलीफ को बर्दाश्त करते करते बेहौसला हो जाएं, हमें इसके असबाब पर गौर करना है। और ये भी याद रखें कि जब किसी चीज के असबाब होते हैं तो फिर उसके नताइज भी होते हैं। यशुआ की जिंदगी में जो बेहौसलगी आई, वो बेहौसला हुआ, उसके जो असबाब हैं वो ये कि यशुआ के अपने खैमा में, यानी वो कौम जिसका वो सरदार बन चुका या लीडर बन चुका था, उस कौम के अंदर उसके खैमा में गुनाह मौजूद था। और जब हम सातवें बाब के अंदर पढ़ते हैं, जब ये बैतेओन के करीब गए और जाकर उन्होंने उस मुल्क के लोगों का हाल दरियाफ्त किया, तो लोग जो उस जगह की जासूसी के लिए गए, वापस आकर उनका ये कहना है कि 3000 मर्द चढ़ जाएं तो हम उन लोगों को मार लेंगे। ये गुनाह उनकी जिंदगी में था कि वो अपने ऊपर, अपने मर्दों पर भरोसा कर रहे थे। इसकी बजाय उन्हें ये कहना चाहिए था कि अगर खुदावंद हमारे साथ हो या खुदावंद की मौजूदगी हमारे साथ हो तो फिर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अब जब वो 3000 मर्दों को लेकर उस जगह पर चढ़ाई करने के लिए गए तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि 36 आदमी उन लोगों ने मार लिए, और फाटक से लेकर वो उनको खदेड़ते हुए आए और उन्होंने उनको मार दिया। और तब जब ऐसा हुआ तो यशुआ और कौम के लोग अपना हौसला खो बैठे। गुनाह जब भी हमारी जिंदगी में होता है, खुदा के खिलाफ जब भी कोई बात हमारी जिंदगी में मौजूद होती है, तो गुनाह हमें बेहौसला बना देता है। और जब हम अपनी जिंदगी में से गुनाह को दूर करते हैं, गुनाह को दूर करने से हम बेहौसलगी का इलाज कर सकते हैं। यूना नबी, जब हम इसकी जिंदगी पर गौर करते हैं तो यूना नबी ने एक इरादा किया था, और यही इरादा यशुआ और उसके लोगों ने किया कि वो जाएंगे, 3000 आदमी होंगे, वो सबको मार कर आ जाएंगे। और यही इरादा यूना नबी ने भी किया, और वो इरादा ये था कि अब वो जाएगा, जब दूसरी बार खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, जब वो जहाज टूटे की उस सारी मुसीबत में पड़ा, जब वो तूफान में गिर गया, अब उसने एक इरादा किया। और वो इरादा क्या था कि अब वो जाएगा, नैनवा में जाकर ऐलान करेगा और कहेगा कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। और जब उसने ये इरादा करके ये कलाम सुनाया और खुदावंद ने
अपने इरादे को तब्दील कर लिया तो यूना बेहौसला हो गया और लिखा है कि वो शहर के बाहर बैठकर नैनवा के तबाह होने का जो है वो इंतजार कर रहा था। और जब वो इरादा जो उसने किया, वो सोच जो उसने अपनाई, वो पूरी नहीं हुई तो वो बेहौसला हो गया और वो खुदावन से खफा हुआ। हमारी जिंदगी में बेहौसलगी तब भी आती है जब हम अपने इरादे करते हैं। और कलाम में लिखा है कि इंसान के दिल में बहुत से इरादे हैं लेकिन खुदावन का इरादा, खुदावन का मंसूबा हमेशा कायम रहेगा। जब हमारे मंसूबों में हमने खुदावन को शामिल नहीं किया होता, जब हमारे इरादों में खुदावन शामिल नहीं होता, तो तब हमारी जिंदगी में बेहौसलगी आ जाती है। यही कुछ यशुआ और उनके लोगों ने किया और उन्होंने कहा कि 3,000 आदमी हो तो हमारा इरादा यह है कि हम उस जगह को जाकर फतह कर लेंगे। और याद रखें कि जब हम बेहौसलगी का इरादा नहीं, जब हम बेहौसलगी का इलाज नहीं करते तो बेहौसलगी हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे असबाब को पैदा करती है जिनके बायस हम खुदावन से दूर हो जाते हैं। हम दुनिया में अच्छे ईमानदार साबित नहीं हो पाते। जबूर नवीस दाऊद भी जबूर 42 और उसकी 10वीं आयत के अंदर जब ये जबूर वो लिखता है तो वो दुखों और इजारसानियों के बायस बेहौसला हुआ। और फिर उसने जबूर 42 और उसकी 10वीं आयत को लिखा और 10वीं और 11वीं आयत जो है मैं चाहूंगा कि हम इसे जरूर देखें। जबूर 42 और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, खुदा उनके पाक कलाम में से हम देखेंगे कि जबूर नवीस दाऊद जो है उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है कि वो बेहौसला हो गया। और ये जबूर मीर मुगनी के लिए बनी कोरा का मजमूर है और 10वीं और 11वीं आयत में वो इजारसानी दुखों के बायस बेहौसला हुआ। वो क्या कहता है, मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। और 11वीं आयत के दूसरे हिस्सा में वो बेहौसलगी जो उसकी जिंदगी में है जब वो खत्म होती है तो वो कहता है खुदा से उम्मीद रख क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। जब हमारी जिंदगी में बेहौसलगी आ जाती है, हम उस पर काबू नहीं पाते तो ये बेहौसलगी हमें खुदावंद से दूर कर जाती है। और अगर हम उस पर काबू पा लें तो फिर हम मीर मुगनी की मानिद इसी बात को कहने वाले होंगे, बनी कोरा की मानिद जो जबूर उसने मीर मुगनी के लिए लिखा, बनी कोरा की मानिद फिर हम भी ये कहने वाले होंगे कि खुदावंद से उम्मीद रख। और अगर हम खुदावंद से उम्मीद रखें तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका इलाज ना कर पाए तो फिर क्या होता है, फिर हम माजी की जानिब जाना शुरू कर देते हैं। यशुआ ने भी ऐसा ही किया, उसने कहा इससे तो अच्छा हम उसी जगह पर थे जहां पर हम रह रहे थे। उसने कहा कि यर्दन के उस पार ही अच्छा था हम बूदोबाज करते। आज के इस दौर में भी बहुत से लोग जब उनकी जिंदगी के हालात बेहतर नहीं रहते तो वो लोग बेहौसला हो जाते हैं, वो अपने माजी को याद करना शुरू कर देते हैं कि तब हम कितने अच्छे हुआ करते थे, हमारे हालात कितने अच्छे थे और हमारे दिन कितने अच्छे थे, हम बड़ा अच्छा खाना खाया करते थे, हमारे पास बड़ा अच्छा घर था, हमारे पास बड़ी अच्छी सवारी थी। अगर हम बेहौसलगी के असबाब पर गौर करें कि ये बरकतें हमारी जिंदगी में से खत्म क्यों हुई, ये चीजें हमारी जिंदगी में से गई क्यों, तो हम कभी भी ऐसी बातों का शिकार नहीं होते। इससे पहले कि यशुआ और उसके लोग वो बेहौसला होते और वो ये कहते कि काश हम किनात करते और यदन के उस पार ही बुदोबाज करते, उन्हें उससे पहले अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत थी। अक्सर बेहौसलगी में हम अपनी नाकामियों की बजाय दूसरों की वजह से जो हमारी जिंदगी में कमजोरियां ही होती हैं हम उन्हें याद करना शुरू कर देते हैं कि फला शख्स उसने मेरे साथ ऐसा किया, फला रिश्तेदार, फला आदमी, फला जो काम जिस जगह पर मैं कर रहा था या कर रही थी उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। अगर हम इल्जाम तराशियां करेंगे तो फिर याद रखें कि ये इल्जाम तराशी है जो आज इंसान को इस जगह पर ले आई है कि वो खुदा से दूर है। और यही इल्जाम तराशियां बागे अदन में भी एक दूसरे पर की गई। औरत ने कहा इस सांप ने जिसे तूने बनाया इसने मुझे इस फल को कराया।
और आदम कहता है कि ये औरत जो तूने मेरे साथ की, इसने फल खिलाया। जब हम बेहौसला होते हैं तो ऐसे वक्त में हमें इल्ज़ाम तराशियां नहीं करनी। जब हम इल्ज़ामात की परवाह नहीं करते और खुदा के वादों पर ईमान रखते हैं तो जिंदगी की बरकात हम खुदावंद से हासिल करते हैं। आज हमने इस बात को खुदावंद के कलाम में से सीखा कि बेहौसलगी जब हमारी जिंदगी में आती है तो हमें उसके असबाब पर गौर करना है। अगर हम असबाब पर गौर कर लें तो हम उसके नतायज से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम उन असबाब पर गौर ना करें तो फिर हम नतायज के लिए तैयार रहें। 3,000 आदमी लेकर वो एक शहर को फतह करने चले, लेकिन उन्होंने इसमें खुदावंद के इरादे और उसकी मर्जी को नहीं जाना, बल्कि कलाम में लिखा है कि जब वो वहां पर गए तो लिखा है कि 3,000 मर्द जो है वो वहां पर चढ़ गए और यही के लोगों के सामने से वो भाग गए, वो 3,000 भाग गए बेहौसला हो गए। खुदावंद का हमारे साथ ना होना ये हमारी जिंदगी में बेहौसलगी को पैदा करता है। आज मेरी खुदावंद से दुआ है कि अगर हम में से कोई ऐसा है जो बेहौसला है तो खुदावंद हमारी बेहौसलगी का इलाज करे, जिस तरह खुदावंद ने कौम बनी इसराइल के लोगों का इलाज किया। वो जब बेहौसला होकर बियाबानी सफर में थे, रोटी ना मिलने की वजह से वो बेहौसला है कि हम वहीं पर मर जाते, वो जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं तो वो बेहौसला है, खुदावंद ने उनकी बेहौसलगी का इलाज किया। आज मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद उन जिंदगियों और हम जिंदगियों में अगर कोई ऐसी बात मौजूद है जिससे हम बेहौसला हैं, खुदावंद हमारी बेहौसलगी का इलाज करे और खुदावंद हमें अपने साथ चलने की तौफीक बख्शे। खुदावंद हम सबों के साथ हो और आज का ये कलाम हमारे लिए बाबरकत हो। आमीन।